ये जो रेल क्रॉसिंग है ना, ये बहुत ही शापित रेल क्रॉसिंग है। हर साल इस क्रॉसिंग में एक्सीडेंट होकर बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों का मौत यहाँ पर होता है। डाकचो की कारण ना बुझते पड़ी तक जिज्ञेस कर लम। तो यहाँ पर देखो, ये पीसी चंद्र ज्वेलर्स, सामने शेनको ज्वेलर्स, कुछ देर सामने जाओगे अंजलि ज्वेलर्स, चारों तरफ आप गोल्ड ज्वेलरीज का बहुत सारे दुकान आप देखोगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नया व्लॉग में आपका स्वागत है। पहले है स्पोकन इंग्लिश क्लास, उसके बाद थोड़ा सा मेरा बाल बढ़ चुका है, आई एल गो फॉर द हेयर कट। सो चलिए पहले क्लास में चलते हैं। आज स्पोकन इंग्लिश क्लास है क्योंकि संडे है, 10 बज चुके हैं, 10:30 बजे क्लास में पहुंचने का टाइम। सो जनाब चलिए पहले तो मोटो व्लॉग का सीन, बाइक को स्टार्ट करते हैं घर से। एक्चुअली मेरा ऑफिस जाने के लिए बाइक से लगता है कितना मिनट, जस्ट 2 मिनट, उसके बाद भी मैं बाइक लेके जाता हूँ क्योंकि आज जैसे आई टोल्ड यू दैट इज मुझको हेयर कट भी करने, बाल बहुत ही बढ़ चुका है। सो ये है आज सुबह का सीन। संडे हर जगह पे आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा भीड़, पर यहाँ पर देखो जस्ट लाइक चिकन का दुकान में कितना बड़ा लाइन, नो सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ लोग ये मास्क सभी पहने हैं। बट ये है संडे का एग्जैक्टली दुकान बाजार। संडे यूजुअली हर लोग घर रहते हैं। ये सब्जी देखो जस्ट लाइक अभी कोरोना के टाइम से एक अच्छा चीज़ हुआ है घर घर में सब्जी पहुंचाने के लिए, ऐसे जो ठेले वाला ये घर घर तक पहुंचते हैं। कोरोना के पहले क्या था, हम लोगों को बाज़ार पहुंचना पड़ता था, बट बाज़ार तो कोरोना के टाइम बंद हो चुका था, इसीलिए जो वेजिटेबल सेलर्स है सब्जी जो बेचते हैं बोले। यहाँ पर भी देखो जस्ट लाइक यू कैन सी लॉट ऑफ वेजिटेबल सेलर्स यहाँ पर ठेला लेकर बैठे हैं। तो चलो मैं आ चुका हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आज आना पड़ा। यूजुअली आई कम 10 to 15 मिनट्स लेट, बट आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी आ चुका हूँ। तो चलिए सब कुछ क्लास को ओपन करते हैं, उसके बाद 10-15 मिनट के अंदर स्टूडेंट लोग आने चालू हो जाएगा, एंड वी विल सेट ऑन फॉर द क्लास। As an example, like in India, the most of the people are Hindu and the Muslim, and the outer country, they like American, the Europe country, they are the Hinduism, and they are just saying the Hare Krishna. These things are really good, that this is a good example of cross culture. So friends, 4 ghante ka class khatam ho chuka hai. नाउ अभी मुझको जाना है फॉर द हेयर कट। तो पहले बाइक को यहाँ से बाहर निकाल पर देखो, जस्ट लुक एट द सीन, यहाँ पर बाइक, ये सब बाइक हम लोग यहाँ पर रखते हैं, इसलिए देखो यहाँ पर जाते जाते यहाँ पर नीचे सेफ्टी टैंक है, ये टूट कर नीचे आ गया है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, ये ठीक कराना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द कॉमन प्लेस ओवर हियर। मेरे जो फ्लैट है सेंटर के सामने एक बहुत ही बड़ा इशू है, इस जो रास्ते एकदम जस्ट नीट एंड क्लीन रहता है, तो आस पड़ोस का जितने भी स्ट्रीट डॉग है भैया यहाँ पर आके पॉटी करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग इन अ न्यूसेंस ऑफ हियर। देख चारों तरफ जस्ट लाइक डॉग्स कम ओवर हियर, अच्छे खासे साफ सुथरा जगह देख कर यहाँ के छोड़ के जाते हैं। तो फ्लैट के जो लोग हैं यहाँ पर इसको साफ करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं टू माई सैलून बार्बर शॉप। यहाँ पर लोगों को देखो, लुक एट देम, मास्क नहीं पहना है, सिंपली गोइंग देयर इधर उधर। एंड कोरोना जस्ट फैलाने के ये सब रीज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, लोगों का जो अवेयरनेस कम रहना। यहाँ का रोड कंडीशन बहुत ही बुरा है। रोड कंडी हर वक्त ऐसा ही रहता है, इलेक्शन के पहले रोड का रिपेयर होता है, उसके बाद फिर से रोड का कंडीशन हाल ऐसा हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग जो इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम लोग का पेशेंस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के बारे में। जो केरल के लोग हैं दे आर वेरी गुड, क्योंकि वो लोग हर 5 साल बाद दे चेंज द गवर्नमेंट। देखो जस्ट लुक एट द सिचुएशन, कितना खराब रास्ता है, कितना इंपॉर्टेंट एक स्टेशन रोड है, रास्ते का हाल कितना बुरा है। तो लोकल एरिया को छोड़कर मैं अभी ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ मेन रोड में। इस रोड को बोला जाता है चौशोर रोड, ये इंडिया बांग्लादेश कनेक्टेड रोड है, इंडिया से बांग्लादेश जाने के लिए ये एकमात्र कनेक्टेड रोड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हुई है भाई। चलो यार इधर से निकलते हैं,
रॉन्ग साइड है बट निकलते हैं यस निकल गया। ये जो प्लास्टिक का डिवाइडर है ना, ये ज़्यादातर टूट जाते हैं। अच्छा है बट एक्सीडेंट से थोड़ा सा पार्टीशन हो जाता है, अच्छा है। बट आप 6 महीने 2 महीने बाद देखोगे ये सब नहीं, रात के वक्त ये जो ट्रक जाते हैं इसके ऊपर से चला देते हैं, ये टूट जाता है। यहाँ पर ये जो जगह है ना, ये बहुत ही फेमस जगह है क्योंकि यहाँ पर सोने का गोल्ड का बहुत ही फेमस दुकान है। यहाँ पर देखो ये पीसी चंद्र ज्वेलर्स, सामने शेनको ज्वेलर्स, कुछ देर सामने जाओगे अंजलि ज्वेलर्स, चारों तरफ आप गोल्ड ज्वेलरीज का बहुत सारे दुकान आप। ये मैं आ चुका हूँ मेरा दुकान, मतलब मेरा हेयर कट का दुकान के सामने। चलो यार मैं लाइन है शायद, हाँ यार ज़बरदस्त लाइन है। चलो बाइक को घुमा कर रखता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आता हूँ। यस, यहाँ पर यूजुअली रखना पॉसिबल ही नहीं होता है, शोरूम खुला जब रहता है, बट अभी शोरूम बंद है। यहाँ पर चलो बाइक को यहाँ पर सेफली रख कर चलते हैं। क्या हुआ की? আচ্ছা ডাকছো কি কারণে? না বুঝতে পারি, তাই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। তো কোথায় রাখলে তোমার সুবিধা হবে বলো, কোন জায়গাটা রাখলো, কোন এগিয়ে রাখলে সুবিধা হবে, এগিয়ে রাখলে সুবিধা হবে। হ্যাঁ তো এগিয়ে রাখছি, তোমার শরীর চাপিয়ে রাখছি। দেখো ভাই बाइक रखना एक बहुत ही अननेसेसरी एक क्या वैसे, देखो अपने बाइक को मैंने कहाँ पर रखा था, और ओ भाई ये अननेसेसरी। हाँ क्या बोल रहा था, ऑलरेडी हेयर कट मैंने कर लिया है, एज यू कैन सी दैट इज हाउ आई एम लुकिंग। कैसा लग रहा हूँ थोड़ा सा कमेंट करके भेजिए। और ये जो पूरा हेयर कट बहुत ही रिजनेबल, सिर्फ 50 रुपीज़ में, 50 रुपये में। कभी मैंने बिग बजट सैलून में हेयर कट के लिए नहीं गया, जब भी मैंने हेयर जस्ट लाइक हेयर कट किया ऐसे ही। दिवाली के पहले था 40 रुपये, अभी दिवाली के बाद 10 रुपये बढ़कर 50 रुपये हो गया है। पर 50 रुपीज़ में कम पैसे में भी अच्छे हेयर कट हो सकता है, देख कर मुझको आपसे यू कैन फील दैट। आज तो संडे है इसीलिए मैं जा रहा हूँ आज फिश मार्केट। फिश मार्केट का मतलब ये जो मछली खाने का फिश मार्केट नहीं है, जो एक्वेरियम का फिश मार्केट है ना, मीन्स एक्वेरियम में जो मछली लोग पालते हैं। जो लोग मुझको बहुत दिन से फॉलो करते हैं यू नो दैट मेरा जो हॉबी है दैट इज़ कीपिंग द फिश इन एक्वेरियम। तो इसके लिए संडे होता है बेस्ट टाइम, क्योंकि संडे यहाँ पर एक हाट बैठता है सुबह, एक बहुत बड़ा मार्केट कोलकाता में बैठता है। तो हाट से पूरा बंगाल में हर जगह मछलियों का सप्लाई होता है। तो संडे सबसे बढ़िया और बहुत ही ह्यूज कलेक्शन रहता है एक्वेरियम का मछली जो पालते हैं उन लोगों के लिए। तो भाई शाम के वक्त है, मैं जा रहा हूँ दुकान में, जिस दुकान में ये सब मछलियों का स्टॉक होता है मेरे लोकेलिटी में। तो एक स्टेशन दूर है यहाँ से, जस्ट 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा बाइक से। तो ऑलमोस्ट एवरी संडे ही शाम के वक्त मैं वहाँ पर जाता हूँ, देखता हूँ मछलियों के लिए। मैं खाना खरीदता हूँ मेरे जो पालतू मछलियाँ हैं, और अगर कोई नया अच्छा कलेक्शन आता है उसका भी मैं स्टॉक में ले लेता हूँ। सो भाई आज तो है जगत धरती पूजा, मैं तो भूल ही गया था। देखो जगत धरती पूजा का पूरा सेटअप लगा हुआ है यहाँ पर। जगत धरती पूजा का आज अष्टमी है, बट करुणा काल में जगत धरती पूजा का सेलिब्रेशन इतना बढ़िया तरह से नहीं हो रहा है। अगर आप कोलकाता में रहते हो, वेस्ट बंगाल में रहते हो, तो आपको तो पता है चंदन नगर दुनिया का सबसे फेमस जगह है फॉर द जगत धरती पूजा। मैं एक साल गया था, बाय गॉड क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस था जगत धरती पूजा में। बट इस साल जो मैंने
न्यूज़ चैनल में देखा, ज़्यादा कुछ वहाँ पर तामझाम नहीं हो रहा है। वहाँ पे लगभग 300 साल से भी ज़्यादा, मोर देन 300 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना जगदत्ती पूजा के लिए मंदिर टेम्पल्स वहाँ पर है। बहुत ही बढ़िया जगह है भाई। तो यहाँ पर भी हो रहा है जगदत्ती पूजा, देख सकते हो लाइट माइट लगा हुआ है जस्ट लाइक लाउड स्पीकर में। ये देखो यहाँ पर भी एक पूजा हो रहा है, शायद थोड़ा सा दिखाता हूँ आपका रुक कर। यस, यहाँ पे पूजा का सेटअप लगा हुआ है और एग्जैक्टली अष्टमी है। अष्टमी जो होता है ना जस्ट लाइक दुर्गा पूजा के मीन्स अष्टमी नवमी, तो आज जगदत्ती पूजा का अष्टमी है भाई। लाइटिंग चंदननगर में तो भाई वर्ल्ड क्लास होता है, वर्ल्ड क्लास लाइटिंग, क्योंकि दुनिया के सब वो जो लाइटिंग होता है ना पूजा के टाइम, उसका जो कारखाना है वो सभी मैक्सिमम चंदननगर से ही आता है। तो सोचिए पूरा कोलकाता में जो लाइटिंग सप्लाई करता है जिस एरिया के लोग, अगर वहाँ पर ही अगर पूजा होगा तो लाइटिंग कितना बढ़िया होगा, बेस्ट लाइटिंग लगाएंगे ना वो लोग, सो नेचुरली। तो देखो आज बड़े पता ही नहीं था, भूल गया मैं, ये चारों तरफ मंदिर में पूजा चल रही है। यहाँ पर भी एक मंदिर है, यहाँ पर भी जगदत्ती पूजा का, पर बॉक्स में देखो क्या चला है, मैं हूँ डॉन। पूजा के टाइम में डॉन का गन जाना चल रहा है, ठीक है चलो यार, लोग मस्ती कर रहे हैं, नेचुरल थिंग। मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। भाई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा ना, आ भी सकता है ठीक है, चलो कॉपीराइट क्लेम आएगा तो क्या करे। हूँ मैं हूँ डॉन, गाना चल रहा है, थोड़ा सा लिप सिंग कर रहा हूँ, बट YouTube का कॉपीराइट क्लेम बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, अरे यहाँ पर तो बहुत ऐसे पूजा हो रहा है, सामने और एक पूजा आ रहा है, नहीं नहीं शायद मैं गलती कर गया। सो जगदत्ती पूजा जो मैं बोल रहा था, चंदन नगर दुनिया का बहुत फेमस है। अगर आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो दुनिया में, कोलकाता से हो, अगर आप चंदन नगर में नहीं गए हो, यू मस्ट गो वंस इन योर लाइफ। इस साल मत जाओ, बिकॉज इस साल जाओगे तो एक करोना टाइम में जाना नहीं चाहिए, और ज़्यादा बढ़िया पूजा भी नहीं हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ छोटा कर दिया गया है, एकदम नॉर्मल ठीक ठाक टाइम है। जब जाओ घूम के आओ भाई, अमेजिंग एक्सपीरियंस आपका होगा, अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपको वहाँ पर। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ दुकान में, सामने ही है दुकान, तो चलिए अंदर का सीन, ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। अंदर का सीन कैसा है, कौन सा आज स्टॉक आया है फिशेस का, वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश आपको मैं करवाता हूँ। तो भाई मैंने खरीद लिया है ये दो फिश, एक जो ये देखता है वाइट वाला, इसको बोला जाता है शार्क, ओरिजिनल शार्क नहीं है ये, एक्वेरियम में पालने वाला शार्क, इसका प्राइस पड़ा है 20 रुपीज़। और ये दूसरा देख सकते हो छोटा वाला, ये ब्लैक ब्लैक जो फिश है छोटा है आपको देख, ये ब्लैक वन, इसको बोला जाता है रेड टेल, कि इसका जो टेल है चेस, इसका जो पूछ है ये लाल कलर का, इसको बोला जाता है रेड टेल, इसका दाम पड़ा है 20 रुपीज़। सो 20 + 20 = 40 रुपये का मछली मैंने खरीदा है, सो दैट्स फाइन। एक्चुअली ये दो मछली मेरे पास पहले भी था बट ये मर चुका है, तो इसीलिए मैंने ये दो चीज़ खरीद लिया है। तो चलिए मछली तो खरीदना हो गया, तो वापस घर चलते, घर नहीं अभी मुझको थोड़ा सा बाज़ार जाना है, कुछ और भी ख़रीदारी करना है, उसके बाद पहुँचेंगे घर। ये जो रेल क्रॉसिंग है ना, ये बहुत ही शापित रेल क्रॉसिंग है, हर साल इस क्रॉसिंग में एक्सीडेंट होकर बहुत सारे लोगों का मौत यहाँ पर होता है ना कुछ चीज़ बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन वाले,
तो ये जो रेल क्रॉसिंग है, पता नहीं लोग यहाँ पर आते क्या हो जाता है, इस पर कॉशियसनेस खो देते हैं और ट्रेन आते हुए क्या देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस जब भी मैं ये जो रेल क्रॉसिंग मैं क्रॉस करता हूँ, व्हेन आई क्रॉस दिस रेल क्रॉसिंग अगेन, मानो मैं बहुत ही सावधान हो जाता हूँ। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ ये नौ नंबर ये रेल क्रॉसिंग का काउंट होता है, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो शियालदा डिवीजन, शियालदा टू बोनगा डिवीजन, टोटल जितना भी रेल गेट है इसमें ये इसका नंबर है 9। ओके, इसको 9 नंबर रेल गेट भी बोला जाता है इसीलिए, और ये बहुत ही शापित माना जाता है फॉर द एक्सीडेंट्स गाइस। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ बाजार में, जो लोकल में हम लोग का मार्केट है, दिस इज द मार्केट जहाँ से मैं ज़रूरत का चीज़ हम लोग खरीदते हैं। पर यहाँ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पार्किंग का, इधर पर देखो इतना बाइक लगा हुआ है, इधर पर देखो कितना बाइक लगा हुआ है, तो मेरा बाइक रखने का यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है। तो अंकल जी ये बाइक को यहाँ से हटाएगा, उसके बाद आई विल कीप माई बाइक ओवर हियर। बिहार इलेक्शन के बाद बंगाल में भी इलेक्शन आ चुका है, कैसे आपको पता चलेगा, आपको हर चौड़े हर मोड़ पे नेक्स्ट 6-7 महीना आपको डिफरेंट पॉलिटिकल रैली आपको दिखाई देगा। तो देखो पॉलिटिकल रैली चल रहा है मेरा एरिया में भी, और यहाँ पर ये सामने ही देखो पॉलिटिकल गैदरिंग हो रहा है, माइक लगा कर वो लोग पॉलिटिकली स्पीचेस दे रहे हैं। दिस इज द रैली, और इस रैली में जो पार्टी शिद्दत कर रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो है नेशनल कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट। तो एक ही, यस एक ही पॉलिटिकल रैली है दोनों पार्टी का, क्योंकि यहाँ पर एक अलायंस हो चुका है इस इलेक्शन के लिए, होता है अलायंस बिहार इलेक्शन के टाइम में जो अलायंस हुआ था, महागठबंधन NDA। सो फ्रेंड्स ये था पूरा दिन का लेखा जोखा, सुबह से रात तक। ऑलरेडी रात के कितने बजे, 8:30 बज चुके हैं, अभी मैं पहुँच रहा हूँ घर, उसके बाद एडिट में बैठने हैं, व्लॉग को यहाँ पर सब ख़त्म करते हैं। व्लॉग अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों को थोड़ा सा दिखाओ, अगर कोई दोस्तों को भी पसंद आ जाए ये व्लॉग, उसको भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कर देना इन बिहाफ ऑफ माइन। सो गाइज ये था पूरा दिन का वीडियो, होप सो, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।